हेलो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर सॉल्विंग टीवाई बैप सेमेस्टर 6 एसएपीएम अप्रैल 2023 का क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन नंबर 3B हम लोग सॉल्व करने वाले, जो आप लोग देख सकते हो 15 मार्क्स के लिए पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, द रिटर्न ऑफ शिवा लिमिटेड एंड मार्केट पोर्टफोलियो इज गिवन बिलो, आपको दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया है देखो, प्रोबेबिलिटी 0.30, 0.40, 0.30 अगेन। ठीक है, रिटर्न्स लिखा है परसेंटेज में, शिवा लिमिटेड का रिटर्न्स है ओके 30, 20 एंड 0 ओके। ये 0 आपको समझने के लिए उसने 0 लिखा है फिर से। ठीक है, मार्केट पोर्टफोलियो इज -10 है, ये ध्यान में रखना, 20 एंड 30। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, पूछा क्या है देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट नंबर 1 एक्सपेक्टेड रिटर्न्स ऑफ शिवा लिमिटेड एंड मार्केट पोर्टफोलियो 5 मार्क्स के लिए, कोवेरियंस बिटवीन मार्केट पोर्टफोलियो एंड शिवा लिमिटेड 5 मार्क्स के लिए, और बीटा ऑफ शिवा लिमिटेड 5 मार्क्स के लिए। तो ऐसा ये टोटल 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न्स वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। ठीक है, चलो इजीली, अगर आपको 15 में नहीं मिला, कम से कम आपको 5 मार्क्स तो कंफर्म मिल जाएगा, बिकॉज एक्सपेक्टेड रिटर्न्स बहुत इजी। ठीक है, चलो सॉल्व करके रखा है मैंने ऑलरेडी, सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग इसका, थोड़ा सा जूम आउट करता हूं। ठीक है, क्वेश्चन 3B ए, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन शिवा लिमिटेड, और नीचे मैंने लिखा है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो। ठीक है, वो हेडिंग लिखना रह गया, थोड़ा सा हेडिंग लिख देता हूं ताकि आपको समझेगा। ठीक है, सो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो, ठीक है, देखो यहां पे लिखा मैंने एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो। सो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन शिवा लिमिटेड यहां पे लिखा है, फॉर्मूला क्या है देखो, आर बार शिवा लिमिटेड, तो दैट इज आर बार एस। ठीक है, आर बार एस, यहां पे अगर ए लिमिटेड होता तो मैं लिखता आर बार ए। ठीक है, यहां पे लिखा है आर बार एस, क्योंकि शिवा लिमिटेड है, इसके लिए मैंने लिखा आर बार एस इज इक्वल टू, क्या किया है देखो यहां पे, प्रोबेबिलिटी सिंपल है, क्या करने का, वेरी इजी, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय रिटर्न, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय रिटर्न, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय रिटर्न, और क्या करना है उसको ऐड। देखो प्रोबेबिलिटी है 0.30 × रिटर्न 30 प्लस प्रोबेबिलिटी है 0.40 × रिटर्न 20 ओके, मल्टीप्लाई किया प्लस थर्ड वाला, देखो प्रोबेबिलिटी है 0.30 × 0। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय रिटर्न प्लस प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय रिटर्न प्लस प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय रिटर्न, ये किसका लिया हम लोगों ने, शिवा लिमिटेड का। ठीक है, देखो यहां पे आप लोग देख सकते हो, साइड में रख रहा हूं मतलब समझेगा, प्रोबेबिलिटी रिटर्न, प्रोबेबिलिटी रिटर्न, प्रोबेबिलिटी रिटर्न, उसको क्या करने का, एड। ठीक है, चलो अभी देखो उसको एड किया, 0.30 × 30 9, 0.40 × 20 8, 0.30 × 0, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0, ये ध्यान में रखना, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करने का, बाद में उसको एड, 9 + 8 + 0 आता है 17%, तो ये आ गया इसका आंसर आपका 17%। दूसरा इसमें मैंने लिखा एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो, तो अपना रूल सेम रहेगा, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय पोर्टफोलियो रिटर्न्स, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय रिटर्न्स, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय रिटर्न्स, और तीनों को क्या करने का, ऐड। ठीक है, देखो 0.30 × -10, 0.30 × -10 आएगा -3, सिंबल भूलना मत प्लीज, 0.40 × 28, 0.30 × 39। ठीक है, ये हो गया मार्केट पोर्टफोलियो का, अभी तीनों को ऐड करना है, लेकिन देखो ये 9 और 8 पॉजिटिव है, 9 + 8 करोगे 17, और उसमें से -3 करोगे ओके, बिकॉज ये माइनस है ना, निगेटिव है, तो माइनस करना है, ध्यान में रखना। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 14%, तो इतना भी करोगे आपको 5 मार्क्स कंफर्म मिल जाएगा, और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ठीक है, अभी इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, आपको क्या ढूंढने के लिए बोला है देखो क्वेश्चन में, आपको ढूंढने के लिए बोला है कोवेरियंस, क्वेश्चन में कोवेरियंस बिटवीन मार्केट पोर्टफोलियो एंड शिवा लिमिटेड। ठीक है, कोवेरियंस, ठीक है, तो कोवेरियंस के लिए आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा, जो टेबल मैंने ऑलरेडी यहां पे बना के रखा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट आपको कॉन्सेंट्रेट करके देखना पड़ेगा तो समझेगा, ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, समझ में आ गया। ठीक है, देखो
कोवेरियंस बिटवीन शिवा लिमिटेड एंड मार्केट पोर्टफोलियो, यहां पे मैंने लिखा आर बार एस 17%, अभी हम लोगों ने ढूंढा आर बार एम 14%, तो ये क्या है उसका अभी जो एक्सपेक्टेड रिटर्न ढूंढा था वो है 17% एंड 14%। ओके, उसके बाद एक टेबल बना है, टेबल थोड़ा समझ लेते हैं। देखो प्रोबेबिलिटी पी, उसको मैंने दिया नंबर वन, आर एस एंड आर एम, अभी आर एस एंड आर एम कहां से आया, ये है आपका आर एस और ये है आपका आर एम, ठीक है, तो वो मैंने लिखा। देखो 30, 20, 0, -10, 20 एंड 30। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम बनाया आर एस माइनस आर बार एस, ठीक है, अभी आर एस कितना है 30, आर बार एस कितना है 17, 30 में से 17 माइनस किया कितना आता है 13, 20 में से 17 माइनस किया 3, 0 में से 17 माइनस किया -17 आता है, ठीक है। उसके बाद आर एम माइनस आर बार एम, ठीक है, अभी आर एम कितना है -10, आर एम कितना है -14 करोगे इसमें से, ठीक है। अभी ये कैसे आता है यहां पे ध्यान दो, बहुत से लोग यहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। देखो आर एम कितना है -10, सो 10 माइनस करने का, बराबर, ये माइनस सिंबल दबाओगे इधर माइनस आ जाएगा, ठीक है, उसमें से माइनस करने का कितना आर बार एम 14, तो कितना आता है -24, सब मैं बता रहा हूं डिटेल में। उसके बाद 20 में से 14 माइनस किया 6, 30 में से 14 माइनस किया 16, ठीक है, आई होप ये दो कॉलम्स आपको समझ में आ गया होगा। ओके, आर बार ऊपर लिखा है उसमें से माइनस करने का ये समझ में आया होगा, -10, -14, -24। अभी अगला कॉलम देखो पी, पी फॉर प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय आर एस माइनस आर बार एस, ये वाला, इंटू आर एम माइनस आर बार एम। आपको समझने के लिए नीचे नंबरिंग की है, ठीक है, तो ये चार नंबर है, कैसे मिलता है, 1 × 2 × 3। ओके, वेरी इजी, अभी मल्टीप्लाई किया, देखो कैसे करोगे, वेरी इजी टू कैलकुलेट, वो भी दिखा रहा हूं क्योंकि कुछ लोग कैलकुलेटर यूज करना नहीं आता उसके लिए। नंबर वन कितना अपना 0.30 इंटू नंबर टू इज 13 इंटू ये 24 है बट क्या है निगेटिव, कितना आता है 93.6 माइनस, ठीक है। अगला 0.40 इंटू 3 इंटू 6 कितना आएगा 7.2। अगला 0.30 इंटू 17 निगेटिव है, ठीक है, इंटू 6 81.6 क्या आता है निगेटिव। अभी थोड़ा ध्यान से देखोगे तो देखो ये दो निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, राइट, अभी क्या करोगे देखो 93.6 प्लस 81.6 इन दोनों को ऐड किया क्योंकि आपने पढ़ा रहेगा स्कूल में पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव ऐड होता है, ठीक है, 175.2 और सिंबल माइनस का आएगा क्योंकि माइनस माइनस तो ऐड हो जाता है बट सिंबल माइनस आता है, तो -175.2 क्या किया मैंने इसको और इसको ऐड किया और सिंबल दिया माइनस का और ये प्लस 7.2 तो ये आएगा -168। कैलकुलेशन करके बता रहा हूं क्योंकि बहुत से बच्चे यहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ध्यान से सॉल्व करना है, ठीक है, चाहिए तो वीडियो पॉज करके रिपीट मोड पे भी देख सकते हो ताकि आपको समझे, मार्क्स नहीं जाना चाहिए, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 168 आ गया टोटल। अभी आर एम माइनस आर बार एम का स्क्वायर, अभी ये वाला तीन नंबर का स्क्वायर करने का है, देखो 24 है बराबर, 24 माइनस निगेटिव है ना, और निगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है, ध्यान रखना स्क्वायर रूट स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं होता, 24 × 24 कितना आता है 576, बट ये माइनस माइनस है तो प्लस ही आएगा हमेशा, स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, 6 का स्क्वायर 36, एवरीबडी नोस, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, 16 का स्क्वायर 256, ठीक है। चलो लास्ट वाला देखो, लास्ट पॉइंट पी आर एम माइनस आर बार एम का स्क्वायर, 6 नंबर मैंने इसको दिया, 1 × 5, 1 कितना है ये इंटू 5 अभी जो किया, सो आपको ये भी करके दिखाता हूं चाहिए तो क्विकली हो जाएगा। देखो पहला कितना है 0.30 × 576, 172.8,
दूसरा 0.40 इंटू 36 14.4, तीसरा 0.30 इंटू 256 76.8। अभी तीनों को ऐड कर दिया मैंने, 172.8 प्लस 14.4 प्लस 76.8, तो टोटल आता है 264। ठीक है, सो आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया कैसे और क्यों कैलकुलेट किया है वो। वीडियो पॉज करके रिपीट मोड पे जाके देखोगे तो समझेगा पूरा कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर मैंने बताया। अभी नीचे मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, देखो कोवेरियंस बोला है ना, कोवेरियंस बिटवीन शिवा लिमिटेड एंड मार्केट पोर्टफोलियो, तो कोवेरियंस ऑफ आर एस आर एम इज इक्वल टू सम ऑफ पी मल्टीप्लाइड बाय आर एस माइनस आर बार एस इंटू आर एम माइनस आर बार एम। तो ये फॉर्मूला लिख के लेके जाओ, कुछ भी करो आना चाहिए, ठीक है। और ये ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ये वाला टेबल आप लोग देख सकते हो, ये वाला कॉलम, ओके, यहां पे माइनस 168 आपका आंसर आ चुका है। सो दिस इज योर आंसर माइनस 168। ठीक है, लास्ट वाला पॉइंट जो पूछा था बीटा ऑफ शिवा लिमिटेड, तो उसका भी फॉर्मूला मैंने इसके नीचे ही लिखा है ताकि आपको समझे, यहीं पे दिखा देता हूं, थोड़ा जूम आउट करते हैं। देखो बीटा फॉर शिवा लिमिटेड दैट इज बीटा ऑफ एस इज इक्वल टू, ओके, ये बी नहीं है, बी के नीचे और थोड़ा सा लाइन आता है, बीटा ऑफ शिवा लिमिटेड इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ आर एस आर एम दैट इज कोवेरियंस ऑफ शिवा लिमिटेड एंड मार्केट पोर्टफोलियो डिवाइड बाय पी आर एम माइनस आर बार एम का स्क्वायर। अभी ये फॉर्मूला किधर से लाया, मैंने घर से लाया हुआ नहीं है, ठीक है, आपको फॉर्मूला आना चाहिए क्योंकि कैसे आया वो एक्सप्लेन तो हम लोग नहीं कर सकते, बट जो आया वो फॉर्मूला आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सो कोवेरियंस आर एस आर एम डिवाइड बाय जो लास्ट वाला कॉलम निकाला पी आर एम माइनस आर बार एम का स्क्वायर, सो माइनस 168 डिवाइड बाय 264 डिवाइड करोगे, ओके, बीटा ऑफ शिवा लिमिटेड आता है 0.636, सॉरी माइनस 0.636, क्योंकि ये माइनस था ना तो सिंबल भूलना नहीं है, ठीक है। इतना करोगे आपको आराम से 15 out of 15 मार्क्स मिल जाएंगे। देखो ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा ध्यान रखोगे इसका, प्रैक्टिस करोगे, और इस टाइप का क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए डेफिनेटली आपके एग्जाम में आने वाला है, ओके, इस साल भी आएगा, पिछले साल भी पूछा था, और ये इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होगा तो ये आराम से सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ क्या करना है, देखो प्रोबेबिलिटी आर एस आर एम ऑलरेडी है, आर बार कैसे ढूंढना है मैंने बताया था ऑलरेडी, उसमें से ये माइनस करोगे, इसमें से ये माइनस करोगे, ठीक है, बाद में प्रोबेबिलिटी से दोनों को मल्टीप्लाई करके ये टेबल निकालना है, इतना तो कर सकते हो। बाद में क्या देखने का, ये जो है उसका तीन नंबर का स्क्वायर निकालने का, बाद में क्या करने का, इसको तीन नंबर के स्क्वायर से क्या करने का मल्टीप्लाई, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा ध्यान देके करना है खाली आपको, ठीक है। और फॉर्मूला का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इट इज अप टू यू कैसे करना है, कैसे याद रखना है, या फिर कहीं पे लिख के लेके जाना है, ठीक है। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, और ये वीडियोज अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। Keep following and keep supporting Bhagwesh's Nandip Commerce classes. Thank you so much.